वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द टाइम टैक। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपनी बाइक से राइड का मजा लेते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी बाइक की मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज अपने बाइक का एयर फिल्टर क्लीन करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खोलूंगा इसका एयर फिल्टर, तो उसे कैसे खोलना मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले हम ये पेज खोलेंगे, ओके। उसके बाद हम इस पैनल को हम से बाहर निकालेंगे, निकल जाता है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी 8 नंबर की गोटियों की। क्या हालत है इसकी देख सकते हैं आप लोग। इसमें एक जाले टाइप इस तरह का होता है, ये बीच में होता है, इन दोनों पार्टों के बीच में, ओके। और एक इसके अंदर इस तरह से जाली होती है, इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा गंदा है, देख सकते हैं आप, कोने पर ये डस्ट टाइप का है, ओके। दोस्तों, इस अपने फिल्टर को क्लीन करने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ पेट्रोल का। देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा पेट्रोल है, इतना काफी है, ओके। इसको मैं इस तरह से इसमें देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल क्लीन हो गया। अब हम इसको सुखा लेंगे थोड़ा सा। इसके कोने पर जो डस्ट है वो भी हम सब क्लीन कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है और ये भी क्लीन हो गया है। आप दो एयर फिल्टर को क्लीन करने के बाद हम इस पर थोड़ा सा इंजन ऑयल इस पर डाल देंगे और इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसमें, ओके। इस ऑयल का बेनिफिट यह है कि जब आप दोबारा से अपनी बाइक को राइड करोगे तो इसमें जो डस्ट आएगा वो डस्ट इसी में ही चिपक के रह जाएगा, वो आपके इंजन या कार्बोरेटर में नहीं जाएगा, ओके। अब हम इसको वापस अपनी बाइक में इसी तरीके से सेट कर लीजिए। ये देखिए, इसका ये जो है ये एरिया इस जगह आएगा, ओके। अब हम इसको अपनी बाइक में सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी इस जाली को सेट करेंगे और ये इस तरीके से अंदर आएगा। उसके बाद में ये चीज ये नीचे की तरफ रहेगा, ओके। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, अब वापस से हम इसका कवर इस पर जैसे के तैसे लगा दें। मैं वापस अपने इस पैनल को लगा देता हूँ। इधर एक लॉक होता है और इधर भी एक लॉक होता है, तो इन दोनों लॉकों को, इन दोनों लॉक में अपने इस पैनल को फंसाते हुए और वापस ये इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।